डॉक्टर, अभी एक सवाल ये कि जब हम दफ्तर पहुंच जाए घर से बाहर निकलकर, एक तो रास्ते में किन बातों का ध्यान रखें? अगर हम पब्लिक कन्वेंस यूज कर रहे हैं, बसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑटो का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखें? और साथ ही दफ्तर में हम प्रवेश कर जा रहे हैं तो जो वर्किंग आवर्स है उस दौरान किन बातों का ध्यान सबसे ज्यादा रखना? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी चीज को समझने से पहले हमें बेसिक समझना बड़ा जरूरी है कि कोरोना वायरस की इन्फेक्शन फैलती कैसे है। केवल और केवल दो तरीके हैं इसको फैलने के, एक तो है या तो ये हाथ से जाएगा या दूसरा है कि ये रेस्पिरेटरी पैसेज से जाएगा। जब हम ये दो चीजें समझ जाएंगे तो बड़ा आसान है हमारे लिए प्रिकॉशन लेना। जैसे कि सबसे पहले अगर हम हाथ की बात करते हैं, तो हम जब बस में ट्रेवल कर रहे हैं, गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हैं, हमें हमेशा इस्तेमाल अपना लेफ्ट हैंड यूज करना चाहिए। अगर हम राइट हैंडेड है तो राइट हैंड को हमारे को हमेशा बचाव करके रखना है, क्योंकि राइट हैंड से ही हम अक्सर मुंह नाक या आंख में खुजली करते हैं जिससे इन्फेक्शन होती है। तो पहला तो हमारे को हैबिट बना लेनी चाहिए कि हमें लेफ्ट हैंड यूज करना चाहिए, और ये अभी के लिए नहीं, ये आगे भी हमारी हैबिट चलनी चाहिए। जब तक कोरोना चल रहा है हम एल्बो का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पाम्स को राइट हैंड की खासकर हम सेफ रखें, ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है बार बार अपने हैंड्स को सैनिटाइज करके रखें, ये बड़ा जरूरी चीज है। और तीसरी चीज है सोशल डिस्टेंसिंग। आप चाहे गाड़ी में जा रहे हैं, चाहे आप बस में जा रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, आप इस चीज का ध्यान रखिए कि कम से कम 1 मीटर का फासला आपका दूसरे व्यक्ति से हो। दूसरा व्यक्ति हेल्थी है, कोरोना का मरीज है, या खांसी जुकाम है, नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यह है कि हमें मास्क पहनना है, मास्क पहनने की प्रॉपर विधि रखनी है, और सबसे बड़ी चीज है कि मास्क को डिस्पोज जब हमने करना है तो इस तरह से कैश में उसे डिस्पोज करना है कि वो हमारे हाथ को जो है ना मास्क का जो सामने का पोर्शन हो बिल्कुल टच ना हो, और बार बार हमें हैंड हाइजीन को फॉलो करना है। अगर हम ये प्रिकॉशंस लेते हैं, मजाल ही नहीं है कि कोरोना वायरस जो है वो हमारे को इन्फेक्शन करते हैं। एक डॉक्टर रवि मलिक, मास्क की बात आपने कही तो एक उसमें एडेड क्वेश्चन है। आमतौर पर होता क्या है कि लोग मास्क को भी टच करते रहते हैं, मास्क को कभी एडजस्ट किया, ऊपर नीचे किया, कई बार लोगों को दिक्कत होती है, थोड़ी देर के लिए मास्क लोग हटाते हैं, तो इससे भी तो खतरा हो सकता है। बिल्कुल खतरा हो सकता है, ये आपने बड़ा सही सवाल पूछा। मैं आपको बता दूं, मास्क जो है वो जब भी आप उसको मैनिपुलेट करेंगे उसकी तनियों से करेंगे। आप जो मास्क का जो मेन बॉडी का पोर्शन है जो नाक और मुंह के साथ लगा हुआ, उसके ऊपर आप नहीं लगा सकते। अगर गलती से उसके ऊपर आपका हाथ लग गया, उस मास्क को फेंकिए, हाथ को सैनिटाइज कीजिए, नया मास्क का भी इस्तेमाल कीजिए। मास्क की जो भी मैनिपुलेशन होगी वो केवल और केवल उसकी जो पीछे तनी है उससे हम थोड़ा बहुत उसको हिला सकते हैं। सामने का पोर्शन एक बार लगाने के बाद में हम उसे टच नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि यहाँ पे फिल्टर लगा होता है, और बाई चांस हमने 8 घंटे मास्क पहना तो 8 घंटे से जितना भी हमारे वहां पर मटेरियल है वो वहां पर इकट्ठा हो जाता है और वायरस वहीं पर ही होता है, जिसको हम उसको हाथ लगा ही नहीं सकते। तो मास्क पहनने की भी एक अच्छी विधि है, आपकी चैनल पर कई बार मैंने बताया दिया, मास्क पहनने की विधि है, उतारने की विधि है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको हमें हाथ नहीं लगाना, और अगर हाथ गलती से लग जाए तो हमें हाथ को अच्छे से सैनिटाइज करना है और उस तरह से रखना है। डॉक्टर रवि मलिक, एक सवाल और कि जब दफ्तर पहुंच जाते हैं तो क्या हमेशा मास्क और ग्लव्स पहने रहना जरूरी है? दफ्तर में बुजुर्ग कर्मचारी भी कुछ होते हैं जिनकी उम्र ज्यादा होती है, ऐसे में और ज्यादा क्या उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है? डेफिनेटली देखिए, 3 ग्रुप्स बड़े इंपॉर्टेंट है। जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है वो काफी ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, खासकर कि दफ्तर में वो लोग जिनको की शुगर की बीमारियां, अस्थमा की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां या हाई ब्लड प्रेशर है, इनका हमारे को खास ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, और प्रेग्नेंट महिलाएं, इनका खास ध्यान रखना जरूरी है। जहां तक जैसे ही हम दफ्तर जाते हैं हमारे को मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए और पूरे वक्त हमें मास्क पहन के रखना चाहिए। और ये भी हमें खास ध्यान रखना है कि अगर हम ग्लव्स भी पहनते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, जबकि ग्लव्स रिकमेंडेड नहीं है। अगर हम बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं तो ग्लव्स की आवश्यकता नहीं है। केवल हमारे को एक ही चीज का ध्यान रखना है कि अपने मुंह नाक और आंख को खुजली नहीं करनी है। अगर हम इस हाथ से खुजली करते हैं, जिस हाथ को हमने किसी गंदी जगह पर रख दिया जो कंटेमिनेटेड, जहां पर की विषाणु कंटेमिनेटेड है, और उसके बाद में हमने आंख पे या नाक पे खुजली कर दी, तो वो एकदम से हमारे को इन्फेक्शन हम कैच कर जाएंगे।